एटी न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम एटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ ताजा सुर्खियों पर। कटनी विश्व आदिवासी दिवस पर जिला स्तरीय कार्यकर्ता कटनी जनपद के दुबारे भवन में हुआ प्रारंभ। आदिवासी सीनियर छात्रवास विद्यालय कला के छात्रों ने किया गेंद नृत्य के साथ कार्यक्रम के अतिथियों का स्वागत। वहीं बड़वारा विधायक विजय राघवेंद्र सिंह, कलेक्टर राशि भूषण सिंह, पुलिस अधीक्षक ललित वाक्यवाद, जिला संयोजक सरिता नायक, सीआईओ जिला आयोजक किया गया है, जिसमें समाज के एक नई दिशा देने हेतु अपने वक्ताओं ने अपनी बात रखी। बड़वारा विधायक कुबेर बसंत सिंह की मौजूदगी रही। बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने में विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे पूर्व के जो विरासत थी उसका हमको अनुभव हो रहा है। कटनी में भी गुड़वाना उत्थान समिति के तत्वाधान में और अजाक्स कटनी के सहयोगी संस्थान में मुख्य अतिथि माननीय विधायक महोदय जी के मुख्य अतिथि में यह सफल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और निश्चित रूप से यह आने वाले समय के लिए और इस समाज और देश के लिए निश्चित रूप से ही एक अग्रसर बन के निकलेगा और हम पुनः अपनी उसी संस्कृति की ओर वापस आएंगे जो हम अपने तरह से जीवन जीना यापन करना चाहते थे। जी बोलिए। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस जो आज मनाया जा रहा है पूरे देश में, मैं और प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय कमलनाथ जी ने जो ये घोषणा की है कि आदिवासियों का जो आज तक शोषण होता रहा है उसको बड़ी करीबी से देखते हुए माननीय कमलनाथ जी ने घोषणा की है कि जिन आदिवासियों ने इस धरती के लिए पसीना एक कर दिया, बहाया, जिनने बलिदान दिया, जैसा कि रघुनाथ साय और शंकर साय जी हमारी इस धरती में रानी दुर्गावती जी ने जो बलिदान दिया इसको भूला नहीं जा सकता है, इनका नाम अमर रहेगा। और माननीय कमलनाथ जी ने जो इन आदिवासियों के बारे में गंभीरता से सोचते हुए जो निर्णय लिया है, हम बहुत उत्साहित हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय कमलनाथ जी को कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आदिवासियों के हित में बहुत से अच्छे अच्छे निर्णय लिए। और माननीय हमारे आदिम जाति कल्याण मंत्री हमारे बड़े भाई साहब ओंकार सिंह जी मरकाम, उन्होंने भी जो प्रयास किए हैं आदिवासियों की उत्थान के लिए, मैं सदैव उनका आभारी हूँ। विश्व आदिवासी दिवस एक ऐतिहासिक दिवस है जो संयुक्त राष्ट्र संघ UN द्वारा घोषित 1994 में पहली बार यूनिवा शहर में मनाया गया था। ये विश्व आदिवासी दिवस मनाने का एक उद्देश्य है जो आदिवासियों की अस्मिता, आत्मसम्मान, संस्कृति, शिक्षा यथावत बनी रहे और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान में संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं वो यथावत बने रहे। इन्हीं सभी संवैधानिक अधिकारों के लिए, इनको बचाने के लिए ये सब कार्यक्रम जो आज अंजुमल स्कूल प्रांगण में मनाया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि माननीय विजय राघवेंद्र सिंह बड़वारा विधायक हैं, जिनके आने से सका समाज में। प्राइम टीम न्यूज के लिए कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट।